बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं जा रहा हूँ अपने बार माल के वाड़े में आज, तो आइए आपको भी ले चलते हैं। वहाँ पर कुछ काम है तो वो वहाँ जाकर ही बताऊँगा। तो आइए चलते हैं बार माल के वाड़े में। तो फाइनल मैं पहुँच चुका हूँ अपने माल के वाड़े में। तो काम इधर कुछ इतना ख़ास नहीं है, तो सिर्फ इनके नीचे जो आप देख रहे हैं गंद पड़ा हुआ है, ये साफ़ करना है। यानी कि जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि पहाड़ा मारना है। तो जो चारा है वो भी ये खा चुकी हैं, इनको मैं चारा शारा भी डालता हूँ, तो इनके नीचे सफाई कर लूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं। मैंने इनको पौड़ा छोड़ा नीचे लगा दिया है, नीचे देख रहे हैं आप, मुकम्मल सफाई कर दी है। तो छोटे जानवर थे वो इधर बांधे हुए हैं, ये पीछे आप देख रहे हैं। इनके नीचे जगह खुश्क थी, यानी कि नीचे गंद कोई नहीं था, तो उधर कोई नहीं पौड़ा लगाया। और इस साइड भी बांधे हुए हैं, उनकी जगह भी ठीक है। सिर्फ जो पक्की जगह पर थे ना, वो उधर थोड़ी वो क्या कहते थे गंद ज़्यादा पड़ा था, उनके नीचे सफाई करना ज़रूरी थी। तो इधर से मैंने पौड़ा छोड़ा लगा लिया, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर एक काम है। काम क्या है कि सब्ज़ी लगाई हुई है, उसका पता करना है कि उसकी क्या पोजीशन है। वहाँ पे हमने प्याज का जो बीज लगाया था उसकी पनीरी बनी हुई है, तो वो देखने में वो ज़िम्मा मेरा है कि तुम जाके वो देखो वहाँ पर क्या उसकी क्या पोजीशन हुई है। बड़ी हुई है तो यहाँ पर उसको यानी कि दूसरी क्यारियाँ बना के फिर उसमें लगाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त मैं बाहर पहुंच चुका हूं, बाहर का व्यू आप देख रहे हैं। तो आइए कुछ देसी ड्रोन, जो हमारा देसी ड्रोन है, उसके साथ कुछ आपको सीन लेकर दिखाते हैं। अगर पसंद आए तो उसे भी लाइक ज़रूर। तो ये सीन था कुछ मेरे देसी ड्रोन कैमरे का। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी सब्जी के पास, तो आइए उनका कुछ प्याज का व्यू आपको दिखाते हैं। तो ये प्याजों की पनीरी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गंद बड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो फाइनल मैंने बाहर से देखा है सारा, यानी कि जो प्याजों की पनीरी थी वो है तो काफ़ी बड़ी, पर उसमें ज़्यादा गंद है। तो कोई फिर भी हम उसमें से जो है पनीरी वो निकाल के अलग कर लेंगे और फिर वो एक अलग क्यारी में लगा देंगे। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि जो पनीरी है वो तो बड़ी बड़ी है, उसमें गंद बहुत ज़्यादा है, टाइम लगेगा। तो जो मैंने चेक करने आया था वो यही चेक करने आया था कि कितने कितने है बड़ा बड़ा। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग वीडियो, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।